12,000 वोटों से जीत गया कांग्रेस का सिपाही, भाजपा भयंकर वोटों से हारी। आपको बताते चले, राजस्थान के करणपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने जीत दर्ज कर ली है। रुपेंद्र ने भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव हराया है। करणपुर के इस चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी। माना जा रहा है कि सीएम भजन लाल की ये पहली परीक्षा थी जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर सहानुभूति रह रहे। दरअसल नवंबर में राजस्थान की 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे जबकि कुल सीटें 200 थी। श्रीगंगापुर की करड़ सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत हो गई थी। इसके बाद इस सीट पर चुनाव नहीं हुआ। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक यदि किसी सीट पर प्रत्याशी की मौत हो जाती है तो वहां पर बाद में चुनाव करवाए जाते हैं और यही कारण है कि सीट पर 5 जनवरी को मतदान हुआ और आज इसका रिजल्ट आ गया। फिलहाल आपको बता दें कि प्रदेश में भाजपा की नई नवेली सरकार बनी थी और इस लिहाज से करणपुर का चुनाव भाजपा के लिए काफी अहम था और अब आज जब रिजल्ट आया है तो कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। इसी के साथ बता दें कि कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण सहानुभूति फैक्टर था। दरअसल कांग्रेस ने दिवंगत नेता गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र रुपेंद्र कुन्नर को टिकट दिया था। साथ ही लोगों से माध्यम से गुरमीत सिंह कुन्नर को श्रद्धांजलि देने की अपील की थी और इस इमोशनल अपील ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया और उन लोगों ने उनके बेटे रुपेंद्र कुन्नर को चुनाव में जिता दिया, जिससे बाद से भाजपाइयों की करारी के हार के बाद से उनमें दहशत का माहौल फिलहाल इस वक्त नजर आ रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।